नमक का मतलब क्या है? इतना सारा खाने में इतना सा नमक होता है, वो स्वाद सही कर देता है। यदि हमारे भारत में थोड़े लोग ऐसे हो गए, समाज में ऐसे लोग हो गए जिनका जीवन जो है वो पवित्र जीवन, ईमानदारी का जीवन, प्रेम का जीवन हो जाए, तो समाज में भी फर्क आ जाता है। इसलिए उन्होंने बोला, प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो, तुम यहाँ के प्रकाश हो और तुम नमक हो, उसने ये बोल दिया। एक बार उन्होंने ये भी बोला कि जो शहर होता है, यदि वो शहर पहाड़ के ऊपर है तो वो सारी दुनिया को दिखता है। रात के दिन आपको रात को किसी शहर में जाइए, वहां पर पहाड़ के ऊपर जो जो होगा, जो शहर बसा होगा, वो सबको दिखता है। हमारे प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा जीवन ऐसा होना चाहिए उसी तरह कि जब तुम्हें लोग देखें तो उन्हें रोशनी दिखाई दे, उन्हें सच्चाई मालूम पड़ जाए। इस तरह का जीवन की हमारे पास जरूरत है। आज हम लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, ये आपने दीवार में देखा है, महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान मिले, सभी चाहते हैं। हमारे घर में बहनें माताएं हैं, हम चाहते सुरक्षा मिले, लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, हमें आदर करना, हमें भी कदम उठाना है, उसके लिए सरकार की मदद करनी है। बेरोजगारी समाप्त हो, अच्छी बात है, लोगों को काम मिले, उनके घर में चूल्हा जलने लगे, अच्छी बात है। इसके बाद मूल मानवाधिकार की रक्षा हो, हमारे अधिकार जो हैं लोगों को आजाद किया जाए। बहुत समय से बंधुआ तो सभी लोग चल रहे थे, बंधुआई खत्म हो जाती है, लेकिन हम दूसरों को बंधन बना देते हैं। बंधुआ मजदूर आज भी हैं, जिनको पैसे नहीं मिलते, जिनको रोटी मिल जाती है और रहने का जगह मिलता है। हम बंधुआ मजदूरों की भी रिहाई चाहते हैं, भ्रष्टाचार समाप्त हो, ये तो सभी बोल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। और गरीबी दूर हो, भुखमरी दूर हो, न्याय सबको मिले, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग आजकल क्या सोचते हैं कि न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि इतने साल लग जाते हैं, न्याय मिलते मिलते इतना साल हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि न्याय मिलेगा भी कि नहीं। न्याय के पीछे भागते भागते लोगों की जान तक खत्म हो जाती है। न्याय इसको बोलते हैं जब न्याय जल्दी मिलेगा, सबको मिलेगा। जातिवाद समाप्त होना चाहिए, आतंकवाद भी समाप्त होना चाहिए। हर जगह आतंकवाद का ये एक श्राप है, सारी जगह कोई चल नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता। देखो ये हमारे पुलिस के भाई लोग कितने खड़े हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, हमें बचाने के लिए, दुनिया को बचाने के लिए। क्यों? ऐसा समय आ गया है कि कोई बिना सुरक्षा के, सब लोग अपने आप को असुरक्षित फील करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु से ये है कि वो दिन आ जाए जब सारा आतंकवाद खत्म हो जाए, सारी मुसीबतें खत्म हो, और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो जरूर ये करेगा। हमें धन की ताकत से आज बहुत काम हो रहे हैं, पैसे की ताकत से लोग काम करना चाहते हैं। जब आप पैसे की ताकत से काम करेंगे तो गरीबों का क्या होगा? गरीब कहां से लाएगा पैसा? इसका मतलब अन्याय फैलेगा समाज में, समाज में ऊंच नीच फैलेगी, पैसे वाले बहुत कुछ कर पाएंगे और गरीबों को कुछ नहीं हाल होगा। इसलिए हमको जरूरी है कि हम ये इस तरह का जो काम है उसको बंद करें, और हमें लोगों तक, गरीबों तक पहुंचना है, और धन की आड़ में, धर्म की आड़ में, शक्ति की आड़ में रहकर काम नहीं करना है, सब लोगों की सेवा करना है, और इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला, तुमको जीवन इसलिए मिला, उसकी मर्जी कर सको सदा,
उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, पड़ोसी से प्रदर्शन हो रहा है उपवास एवं प्रार्थना सभा शिष्य थॉमसन के द्वारा। तो पहले से अभी का मामला नहीं है, बहुत पहले से ये लोग जो चाह रहे थे वो तो अपना कर रहे हैं। और इसका जो पीड़ित समूह है, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, मजदूर हो, वो सब लोग अपने अपने ढंग से इसका प्रतिवाद कर रहे हैं। कुछ सीधे सीधे भेड़ लग कर रहे हैं, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ उपवास कर रहे हैं, कुछ संगठन बना रहे हैं। वो इसके तमाम आयाम है। अभी यहीं सामने आप देखिएगा कि गुरुदास मंदिर को तोड़े जाने के खिलाफ एक संतों का भी यहाँ जमा हो रहा है। तो इसको हम पूरे सामूहिक प्रयास के रूप में देखते हैं, कोई अलग थलग नहीं देखते। ये जरूर है कि जो सरकार है अभी और जिस आइडियोलॉजी के साथ वो खड़ी है, वो चाहती ही नहीं। कुछ सरकारें होती हैं, कुछ सामाजिक जो आइडियोलॉजी होती है वो चाहती है इंक्लूसिव, सबको समेट के चलने वाले। ये एक्सक्लूसिव है, ये कुछ खास लोगों के लिए काम करेगी, बाकी को उस पूरे सामाजिक ताने बाने से बाहर निकालना चाहिए। तो कारण वही है कि जब सभी संगठनों का उद्देश्य एक ही है और सभी संगठनों का मानना है कि मानवतावादी सरकार या मानवतावादी समाज होना चाहिए, मगर ये जो सरकार है ये मानवतावादी दिखती नहीं है, कहती बहुत है और जितना भी कहती है उसका उल्टा ही होता है। वो एकदम नहीं है, और वो जिन जिन चीजों को खिलाफत करके आई थी उनको और ज्यादा बुरी तरह से लागू कर रही है। गरीबी हटाने के नाम पे आई और गरीब बना दिया, भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे आई। वो भ्रष्टाचार तो अब इतना हो गया कि अब उसका मतलब कोई और छोर ही नहीं है, पहले तो कुछ दिख भी जाता था। अब भ्रष्टाचार को मापने वाली जो संस्थाएं थी उनको ही इन्होंने करप्ट कर दिया है, बाकी तो अब बाकी सब छोड़ दीजिए। तो ये जिन जिन कारणों को लेके, जिन जिन चीज़ों को लेके ये लोग आए थे, और हम लोग बार बार कहते थे कि ये कुल मिला के शैतानी ताकतें हैं, इनसे दूर रहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अब अलग 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 लोग काम कर रहे हैं, अलग अलग ढंग से अपने आंदोलन में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस समय धर्म और जात की राजनीति बहुत चरम पे पहुंच गई है? धर्म की राजनीति होती तब तो थोड़ा ठीक था, ये राजनीति में धर्म को जो है ऐसा घालमेल कर दिया गया है। धर्म तो है ही नहीं, वो जो धर्म है वो राजनीति का ही एक हिस्सा है, धार्मिक है ही नहीं। धार्मिक होता तो वो एकदम दूसरी बात होती है, वो किसी का आस्था, किसी का विश्वास। धार्मिक आदमी किसी का मतलब विरोधी नहीं होता, प्रेम करेगा, भाईचारा निभाएगा, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होगा, वो धार्मिकता है ही नहीं, वो धर्म का राजनीतिकरण है। तो आपका कहने का अर्थ ये हो सकता है, ये माना जाए कि आज की जो राजनीति हो रही है वह धर्म से हटकर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की राजनीति कर रहे हैं? आतंकवाद तो अब इतना है कि केवल दो तरह के आतंकवादी होते हैं। एक होते हैं जो कुछ गन लिया और जाके कुछ लोगों को मार दिया, दहशत फैला दिया, और वो अपनी बात मनवाने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। दूसरी जो आतंकवाद है वो जो वैचारिक आतंकवाद है, वैचारिक रूप से पूरे एक बड़े समूह को डरा के, धमका के, बड़े समूह को पूरे उसके जो जीने के जो साधन है, संसाधन है, उनको एक तरह से मतलब लूट के, खसोट के एक ऐसी स्थिति में ले जा दिया गया है कि फिर वो बड़ा मुश्किल हो रहा है कि यदि कुछ वो बोलता भी है अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, बोलता ही नहीं कि कुछ लिखता है, कुछ रोता है कि नहीं हम तकलीफ में हैं, तो उसको भी लगातार वो हमले उस पर हो रहे हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, रो दिया यहाँ।
यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ये जो आतंकवाद है जिसमें साये में सब लोग पले हुए हैं, हर समाज का हर समूह डरा हुआ है, आपको इससे बड़ा आतंकवाद क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है कि प्रेयर करने से कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, प्रेयर करने से क्या होगा, फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा उससे मुझे बहुत ज्यादा वो तो नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कुछ अच्छी चीजें हैं। एक अच्छी भावना के साथ यदि कुछ बातें लोग कह रहे हैं तो उसका फर्क पड़ता है। यदि प्रेम है तो प्रेम तो एक भाव है, और यदि आपके अंदर प्रेम का भाव है तो स्वाभाविक रूप से आप सामने वाले से जब आप मिलते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। आप अंदर से क्रोधित हैं या आप अंदर से दुखी हैं तो सामने वाला भी देखता है तो वो पता लग जाता है कि बंदा दुखी है, या उससे आपको भी महसूस होता है। प्रार्थना से और कुछ हो ना हो, एक अच्छी भावना निकल के आती है और मन को शांति मिलती है। ये भी एक प्रक्रिया है, इसमें हम नहीं जानते। अब एक आखिरी सवाल ये है सर कि सभी लोग दुखी हैं और सभी लोग परेशान हैं, तो एक मंच पे क्यों नहीं? यही तो दुख का कारण है। दुख का कारण भी यही है कि सब अलग 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 हैं, इसलिए भी दुखी हैं। और सवाल यह है कि भारत एक कैसा बहुविध सामाजिक संरचना वाला देश है, इतने सारे उसके लेयर हैं कि एक कोई खास विचार या एक कोई खास संगठन इसको संगठित नहीं कर सकता। ये जरूर है कि अलग 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 विचार, अलग अलग सामाजिक सरोकार वाले, राजनीतिक सरोकार वाले, ठीक है, वो सभी पीड़ित हैं, दुखित हैं, लेकिन सब अपने अपने काम करते रहें तो धीरे 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 एक एकता का कोई बनेगा और स्वाभाविक रूप से बनेगा, इतना ये हमें पूरा विश्वास है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि तमाम जगहों पे एकता के लगातार कोशिश भी हो रही है, लगातार राजनीतिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। जैसे तुगलकाबाद वाले मसले पे गुरु रविदास मंदिर के मामले में देखा गया कि समाज का जो तमाम समूह तो थे ही थे, धार्मिक समूह भी उसका समर्थन में खड़े हुए, उसके साथ मुसलमान भी आए, मतलब मुसलमान मौलवी मतलब धार्मिक जो लोग हैं वो लोग भी खड़े हुए, सिख लोग आए उनके साथ, ईसाई लोग आए, तो ये एकता का बन रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये बड़ा कोई एक कारगर हथियार बनेगा कि नहीं बनेगा, वो उसमें टाइम कितना लगेगा ये अभी थोड़ा हम तुरंत कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ माहौल तो बन रहा है, माहौल बन रहा है। हाँ जी, हम जंतर मंतर में प्रार्थना के लिए बैठे हैं, शिष्य आश्रम जो हमारा है एनजीओ, और हम देश के लिए प्रार्थना करने के लिए आए हैं। यहाँ पे हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम अनशन नहीं कर रहे हैं, हम किसी को मेमोरेंडम देने नहीं आए हैं, क्योंकि हमारा सोच है कि इंसान की एक लिमिट होती है, उसके आगे वो क्या करे। सरकार भी हम ही बनाते हैं, विरोधी पार्टी भी हम ही रहते हैं, सब चीज़ हम हैं। तो हम प्रभु के बारे में, हमारे प्रभु जो उन्होंने रास्ता दिखाया है वो प्रेम का दिखाया है, अहिंसा का दिखाया है। उन्होंने कहा कि दुश्मन से प्रेम करो, उन्होंने कहा सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्होंने कहा जो तुम्हें श्राप दें उनके लिए आशीर्वाद दो, हैं? उन्होंने हमें सेवा का रास्ता दिखाया, उन्होंने कहा कि मैं जो हूँ मैं सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया हूँ। वो सर्वशक्तिमान अपना ताज सर के आत्मिक रूप से हमारे बीच में आए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके 12 चेले थे, उन्होंने अपने चेलों के पांव धोए, और यही नहीं कि उन्होंने पांव धोए और कहा कि हाँ देखो तुम मुझे देखो अब मैंने बहुत बड़ा काम किया, नहीं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो थे उनके पीछे चलने वाले थे उनसे कहा कि तुम भी ऐसा ही करो। तो ये तो सेवा की बात है। देखिए महात्मा गांधी जो थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका जब वो गए तो सबसे पहले उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुए जो कि प्रभु को मानने वाले थे, उनकी बातें करने वाले थे। वहाँ पर उन्होंने बोला कि उन्होंने सुना कि ये मत्ती की किताब में 5, 6 और 7 में क्या लिखाता है, ये बाइबल की किताब है, उसमें ये लिखा था कि तुम
तुम्हारे यदि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा दिखा देना, यदि कोई तुम्हें एक मील बेगार में ले जाए तो दो मील चरेल जाना। कहने का मतलब है तुम हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना। अभी हम जो गा रहे थे वो यही था, पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है, आंख के बदले आंख बुराई का सामना है, ये उसमें लिखा है। तो हम लोग यहाँ पर काफी तमाम बातें जो लिखी हुई है मानवतावादी जी, मगर आज के समय में मानवता कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिसके लिए आप लोग प्रेयर कर रहे हैं कि मानवतावादी समाज फिर से स्थापित हो, तो कैसे पॉसिबल होगा? देखिए पॉसिबल क्यों नहीं होगा, हमारी किताब में लिखा हुआ उधर पे ये लिखा है, इतिहास की किताब में लिखा हुआ है, हमारे किताब में उसमें ये लिखा है कि यदि मनुष्य मन फिराए अपनी गलती को माने तो हमें परमेश्वर की ओर से ईश्वर की ओर से भी हमारे देश में आशीर्वाद मिलेगा, ये लिखा हुआ उधर। लेकिन यदि हम गलतियों को ना माने, अपनी गलती सुधारने का प्रयास ही ना करें तो हमें कहीं से मदद नहीं मिलेगी। हमारा समाज बदल सकता है, हमारा समाज में हमें जो अपनी गलतियों को उसे मानना है और ऊपर से हमारी मदद भी परमेश्वर की तरफ से होना है। मौजूदा समय में जो सरकार है, पहले ही हमारे देश को विकासशील देश काउंट किया जाता, आज वही वापस स्थिति गरीबी देश में आ गया है, तो कैसे लगता है कि आपको ये तरक्की की ओर जाएगा या वापस उसी धरातल पे आ जाएगा जहाँ पहले था? देखिए मैं किसी सरकार के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, सरकार इंसान की होती है चाहे कोई भी हो। मैं इस सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं सरकार के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ। सरकार अपना काम करती है, प्रयास करती है, उनके मंत्री प्रधानमंत्री कर रहे हैं, मैं उनका समर्थन करता हूँ जहाँ तक वो अच्छे काम कर रहे हैं, और जहाँ पर नहीं हो रहा है उसके लिए मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, हमारे मंत्री जी, उनकी पार्टी, उनको परमेश्वर सशक्त करे। यही हमने लिखा है कि परमेश्वर हमारी सरकार की भी मदद करे ताकि वो करें, और उनका प्रयास अच्छा है, कोई सरकार बुरा काम नहीं करना चाह रही है, और मैं कहता हूं कि वो भी करेंगे, सही कर लेंगे। हिंसा के दौर प्रार्थना कर रहे हैं, हिंसा के दौर में प्रेयर कितनी कारगर सिद्ध होगी? देखिए हिंसा के दौर में तो प्रेयर कारगर होती है, उसी समय तो प्रेयर ज्यादा करना चाहिए है? जब लोग मारपीट करते हैं, जब झगड़ा होता है, जब धर्म स्थल के लिए धर्म युद्ध होता है, लोग कहते हैं ये मेरी जगह है, दूसरा कहता है ये मेरी जगह है, उस समय तो हमें और भी प्रार्थना करना चाहिए। मैंने आपको बोला ना, जब हमारे प्रभु इस संसार में आए थे तो एक औरत कहने लगी, अछूत औरत थी, उसके हाथों से उनने पानी पिया, उसके घर गए, दो दिन रहे, उसने एक सवाल किया था, उसने उससे बोला था कि तुम लोग हैं, तुम लोग बोलते हो कि यरूशलम का बड़ा मंदिर है, वहां पर परमेश्वर की पूजा पाठ आराधना होना चाहिए, हमारे लोग कहते हैं कि हमारे इधर ये पहाड़ है, इधर पे होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? ये प्रभु से पूछा। जब प्रभु से पूछा गया तो उसने कहा कि ना तुम्हारे इस बड़े मंदिर में पूजा होगी, ना इस पहाड़ पर होगी, लेकिन जो परमेश्वर की, परमात्मा की जो उपासना आराधना करते हैं, उनको अपने दिल से, मन से, आत्मा से, अपने जीवन के द्वारा दिखाकर उसकी आराधना करना चाहिए। तो ये धर्म युद्ध और धर्म की लड़ाई वगैरह ये सब परमेश्वर की मदद से ही दूर होगा। कहीं पे मंदिर बनता है और कहीं पे मंदिर तोड़े जाते हैं, लेकिन इसमें प्रेयर कैसे की जा सकती है जबकि कहीं पे मंदिर तोड़े जा रहे हैं और कहीं पे मंदिर बनाने की बात होती है? देखिए हमारे प्रभु ने तो ये बताया कि तुम कहीं भी प्रार्थना करो, उसने तो हमसे ये बोला था कि लगातार नित्य प्रार्थना किया करो। अब ये बताएं, मैं तो पेड़ के नीचे हूँ, यहाँ पे हमने अपनी प्रार्थना कर ली, हम कभी रोटी बना रहे होते हैं घर में, वहाँ पर भी प्रार्थना कर लेते हैं, तो उसके लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है ना हम इस मसले में आते हैं। मैं नहीं सोचता कि किसी धर्म स्थल को तोड़ना चाहिए, धर्म स्थल को तोड़ के आप क्या बना लेंगे, आप कुछ कर लेंगे? मेरा इस सबसे संबंध, मेरा विचार ये है कि मनुष्य जो है धर्म स्थानों से और इनसे नहीं बनता है, मनुष्य आपका जीवन अंदर से बनता है। बहुत से हैं लोग हैं वो धर्म के नाम पर धर्म युद्ध होते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती हैं, धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे होते हैं, तो उससे क्या होता, क्या उससे कोई फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा। मैं तो कहता हूँ पेड़ के नीचे बैठो, रास्ते के नीचे बैठो, जंगल में जाओ, पहाड़ पर जाओ, प्रार्थना करो। हमारे जो प्रभु थे वो पहाड़ों पर चले जाते थे, रात भर जंगल में चले जाते थे। अब वो कहने लगे कि उन्हें मंदिर बनाना है या चर्च बनाना है या बड़ा चर्च बनाएंगे, मैं कहता क्या चर्च बनाना, कौन सा चर्च बनाना,
मानवता उससे कुछ नहीं होता। मानवता को स्थापित करने के लिए आम जन को आप क्या संदेश देंगे? मानवता को स्थापित करने के लिए मैं जो जानता वही कहता हूँ कि प्रभु हमारे प्रभु ने एक संदेश दिया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने दुश्मन से प्रेम करो, हैं एक दूसरे की मदद करो। उन्होंने कहा कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा उसके वो सेवक बन जाए। यदि मुझे आपसे बड़ा बनना है तो आपके पांव धोने पड़ेंगे, आपके घर में झाड़ू लगानी पड़ेगी। हमारे प्रभु का ये फॉर्मूला है कि जो बड़ा बनता है वो सेवक होता है। यदि हमारे धर्मस्थल में कोई बड़ा बनेगा तो उसको धर्मस्थल की पहले झाड़ू लगानी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। तो ये प्रभु का एक वचन है, तो मैं तो वही बता सकता हूँ और मुझे कुछ मालूम नहीं है। बहुत धन्यवाद।